हमारा यहाँ पे सिर्फ पूरे इंडिया में सिर्फ बोल के नहीं है, बाहर स्टेट में बोल के नहीं है, इवन इन हमारा अरुणाचल प्रदेश में। आपने कल परसों ही सोशल मीडिया में देखा होगा ना, वो अपर सुबनसिरी का कुछ इंसिडेंट्स ना देखा होगा, बेचारी लड़की 13 साल की है। तो हमारा यहाँ में ऐसे होता है, अपना फैमिली में अंडरस्टैंडिंग में सॉर्ट आउट कर लेगा, करने के बाद फिर वो नहीं होता है। तो वो चीज़ हमारे बीच नहीं होना है, क्योंकि आप सोच कर देखिए, आपके घर भी बेटी है, आपके घर भी आपकी बहन है। तो हम सारा समाज को, हमारा जितना भी मेल डोमिनेट समाज है ना यहाँ पे, सोसाइटी हमारा मेल डोमिनेट सोसाइटी है, तो उस समाज को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बहन को, अपनी बेटी को छोटा कपड़ा मत पहनो, ऐसे कपड़ा मत पहनो, इतना रात मत निकलो या वहाँ मत जाओ, ऐसे समझाने के बजाय आप ये क्यों नहीं कहता कि बेटा किसी और की बेटी पर नज़र मत लगा, बुरी नज़र मत लगा। अरे भाई, किसी और की बहन पर बुरी नज़र मत लगाओ। हम अपना बेटा को क्यों नहीं समझा पाता ये चीज़? अगर हम अपना बेटा बेटा निकल रहा है ना, उस बेटे के घर पे उसका भी एक बहन है, तो वो अपना भाई जो बहन को बोलता है कि तुम इतना छोटा कपड़ा मत पहनो, तुम ऐसी टाइप का ड्रेस मत करो, तुम इतना रात को घर से मत निकलो, तुम उस आदमी से दोस्त मत करो, तुम उस औरत से दोस्त मत करो, अपना भाई जो बहन को यूँ समझा के भाई निकल जाता है। क्या कभी उस भाई को पूछा है कि वो बाहर जाके किस बेटी पर नज़र डालता है, वो बाहर जाके किस बहन पर नज़र डालता है, बुरी नज़र डालता है? हमारा समाज ये सोचता है कि जहाँ पे लड़की के साथ कुछ हो गया तो ये कहना शुरू कर देता है कि वो लड़की ख़राब थी, वो लड़की ऐसी थी, लड़की वैसी थी, वो पीती थी, वो खाती थी। अरे भाई, वो पीती थी, चलो ठीक है, अगर आप अच्छा इंसान है एक इंसानियत के नाते, वो पीती थी, नशे में थी, तो आप उसको सुरक्षित घर क्यों नहीं पहुँचा देते? ज़रूरी क्या है आप उसको उठा के कहीं और ले जाएगा? और आप इसको देखिए, क्या ये पीती थी, क्या ये खाती थी कुछ? बेचारी डॉक्टर थी ना, जिसने लोगों की इंसानियत की जान बचाने के लिए जिसने प्रण लेकर ड्यूटी अपना काम कर रहा था, उसी के साथ इतना बुरा बर्ताव किया है। तो जिसने भी किया हैवानियत, जिसने भी किया, उस हैवानियत को पैदा किसने किया? हम औरतों ने ही पैदा किया ना, हमारे कोख से वो जन्मे हैं ना, वो भी तो किसी का बेटा होगा, वो किसी का बाप या किसी का भाई, किसी का पति। आप सोच कर देखिए, अगर आपके पति, उसकी पत्नी के साथ कुछ होता है, अगर आपका भाई उसके बहन का साथ कुछ होता है, तो आप क्या सोचेंगे? जिस भाई ने किसी और की बहन को बुरा किया है, अगर उसी भाई के बहन के साथ कुछ होता है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? और हमारा खासकर अरुणाचल प्रदेश में जो छोटा छोटा बात को हम लोग अपना समाज में लोकेली दबा के रखता है ना, ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है, कानूनी तौर पे ये बिल्कुल गलत है। और हमारा सरकार भी ये सब चीज़ को अनदेखा करता है, चलो उसने वो कर लिया तो वो लोग को करने दो। क्योंकि हमारा अभी छोटा छोटा बच्चियाँ होती है ना, 13 साल की, 15 साल की, 18 साल के बाद हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एडल्ट हो जाता है ना, जो टीनेज में होता है। उसको आप सोच कर देखिए, वो भी किसी की प्यारी सी बेटी है ना, घर में नन्ही परी बोल के माँ बाप उसको परी जैसे, रानी जैसे रख के पाल के रखता है, चलो ठीक है वो बाहर जाके कुछ गलत खा पी लिया, तो उसको आप सुरक्षित घर क्यों नहीं पहुँचा देते? क्या ज़रूरी है वो खा के नशे में था तो हमने ये कर लिया, ज़रूरी है क्या वो करना? अगर उसके बहन के साथ ये हुआ होता तो वो क्या करते ना? तो इसलिए हमारा समाज जो मेल डोमिनेट समाज है, उसको मैं ये कहती हूँ, आप बेटी को तो समझाता ही है, बेटी को आप सिखाता है बुरा क्या है, अच्छा क्या है, सिखाता है, लेकिन क्या आपने कभी अपने बेटे को शिक्षा दिया है उस बारे में कि बेटा ये करना गलत है, कि बेटा ये नज़र गलत है, कभी आपने कहा? हमारे समाज के माँ बाप ये कभी नहीं कहते, बेटा को कभी नहीं कहेगा कि बेटा उस पे नज़र मत डाल दो, वो किसी की बहन है, कभी नहीं कहेगा। लेकिन बेटी को तो ज़रूर कहेगी, तूने छोटी कपड़े पहने होंगे तभी तो उसने ऐसे किया, तुमने इस ऐसे हाफ स्लीव पहना होगा तभी तो उसने तुझ पे नज़र लगाया। अरे भाई,
नज़र तो उसकी बहन पे भी तो लगा सकता है ना कोई, और वो भी तो देखना चाहिए। वो नहीं देख रहा है, बस यूं ही बोल दिया कि बेटी की गलती है, लड़की की गलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। तो आज जो हमारे साथ हो रहा है, इसके साथ जो हुआ है, इस डॉक्टर के साथ जो हुआ, इस बेटी के साथ हुआ है, कल को आपकी बेटी के साथ होगा, आपकी बहन के साथ होगा, और भगवान ना करे कि आपकी पत्नी के साथ ये सब हो ना। हमारा समाज यही कहता है कि लड़की लोग छोटा कपड़ा पहन के दिखा के घूमता है, तो वो तो ऑब्वियसली लड़का लोग तो नेगेटिव रिएक्शन तो होगा ही है, बोलता है ना, अरे भाई 80 साल का बूढ़ी का रेप करके छोड़ देता है, उसने क्या नंगा पहन के घूम रहा था क्या, वो ऐसे कभी नहीं हुआ है ना। 13 साल की बच्ची, जो 8 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे, वो क्या नंगा सड़क पे घूम रही थी क्या? नहीं घूमते ना, फिर भी उसी का साथ इतनी हद तक गलत करता है, ये हरकत कौन सा सही है। इसलिए मैं कहती हूँ, हम सब सारे महिलाएं कहती हैं, जो बच्चे हमारे कोख से ही जन्मे हैं, हम महिलाओं के कोख से ही जन्मे हैं, लेकिन महिलाओं का ही अस्तित्व उजाड़ के रख देता है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। न्याय दो, न्याय दो, महिलाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, महिलाओं को न्याय दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, महिलाओं को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, महिलाओं को सुरक्षा दो,